लखनऊ की शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बीए छात्रा के सुसाइड के बाद से छात्रों का आक्रोश कम नहीं हो रहा। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार समेत तमाम फैकल्टी और स्टाफ को बंधक बनाए जाने की भी खबरें सामने आई। इस बीच अराजकता भरे माहौल को देखते हुए कुलपति ने सैंडाई यानी अनिश्चितकालीन बंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकों और छात्रों के बीच मारपीट के वीडियो भी सामने आए। दरअसल बीएड के छात्रा की आत्महत्या के बाद डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा जारी है। छात्र कुलपति और रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों के हटाए जाने की लगातार मांग हो रही है। वहीं जिला प्रशासन की अनुमति के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सैंडाई का बोर्ड लगा दिया है। आरोप है कि देर रात तक छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी सहित एक दर्जन से अधिक अधिकारियों को बंधक बनाए रखा। महिला शिक्षक समेत तमाम अधिकारी रहे देर रात तक बंधक। जी हाँ, आपको बता दें 8 चक्र की छात्रों से वार्ता हुई लेकिन असफल रही। आरोप है कि कुछ छात्र संगठन दिव्यांग छात्र की आड़ में अराजकता फैला रहे हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन छात्रों को मनाने में विफल रहा। अब छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। 6 सितंबर दोपहर 2 बजे तक हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए गए हैं। स्टूडेंट ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाए हैं। प्रदर्शन पर बैठे छात्रों ने कॉलेज पर सुविधाएं न देने का आरोप लगाया और मंत्री को बुलाने की मांग की। तब से पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के समझाने के बाद भी अभी तक छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय बंद करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।